पास सिर्फ क्लास हो और उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, और अगर फ्लास्क का वो खुला हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ये रिवर्स नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हम इस फ्लास्क का मुंह क्लोज कर दें और कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर हीट करें, कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि अब इसके अंदर फ्लास्क का मुंह बंद किया गया है, इसे बंद सिस्टम भी कहते हैं, क्लोज सिस्टम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिर क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फर्स्ट इसका रिवर्स रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शंस को एक ही रिएक्शंस के अंदर इस तरह से जाहिर किया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट वो टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, वो दोबारा मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि रिवर्स रिएक्शन शुरू किया।